नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और भयंकर खबर। जी हां दोस्तों, मात्र 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर। दोस्तों आपको बता दें, बेटी अपनी माँ के पास सो रही थी, लेकिन पता नहीं कब अचानक माँ के पास से चली जाती है। और दोस्तों आधी रात को जब कमरे से आवाज़ आ रही थी, तो माँ ने जब दरवाजे से झांका तो दोस्तों माँ की आँखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में गुनगा क्षेत्र में स्कूली विद्यार्थी के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने दुष्कर्म किया। लड़की ने पुलिस को बताया कि वह घर के बाहर सो रही थी। रात लगभग 12 बजे पड़ोस के गांव का रहने वाला उसका प्रेमी घर पहुंचा, वह घसीट कर कमरे में बंद कर लिया, तत्पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच चीख सुनकर मां पहुंची। मां को देखकर अपराधी तो भाग निकला, पुलिस ने उसे दोस्तों अब गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो ये लड़का था, दोस्तों यह जो लड़की है उसका प्रेमी था, और ये आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी। दोस्तों आपको बता दें, जब लड़का और लड़की की प्रेम कहानी का घर वालों को पता चलता है, तो जो लड़की के घर वाले हैं वो उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं लोग। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ये घटना हो जाती है। युवती ने बताया है कि जो लड़का था वो उसके महाबर के भीतर 3-4 बार दुष्कर्म कर चुका है, और अपराधी उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। इसलिए दोस्तों जो लड़की थी वो चुप रही। 7 जून को अपराधी ने लड़की को फिर से धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया है। अपराधी बेरोजगार है, उसका परिवार खेती किसानी करता है। दोस्तों देश दुनिया से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए आप अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, तथा आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।